गाइस देखो क्या प्यारा सीन है यार। देखते फैज क्या कर रहा है। अबे क्या कर रहा है भाई। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज है 25th of September और बज रहे हैं 6:30। अब इतने सुबह मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब लिटरली मेरे ज़िंदगी में ऐसा क्या हो गया कि मैं 6:30 बजे संडे के दिन उठ के बैठा हूँ। तो मसला ऐसा है कि हम जा रहे हैं वीसापुर फोर्ट। तो मैंने हम कहा है, यानी कि मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, हमारा ग्रुप जा रहा है वीसापुर फोर्ट। हम थोड़ी ट्रेकिंग ट्रेकिंग करेंगे और आज ट्रेकिंग करने का माहौल हमने बनाया है। हालांकि ये प्लान थोड़ा हमारा चेंज था, हम सैटरडे के दिन समथिंग करने वाले थे और संडे के दिन रेस्ट, बट एट द एंड ऑफ द डे कुछ हो गया, कॉलेज में कुछ फंक्शन हो गया जिसके कारण हमें टाइम नहीं मिला। तो आज संडे है, 6:30 बज रहा है और अभी हम जा रहे हैं ट्रेकिंग करने वीसापुर फोर्ट, जो कि अराउंड 65-67 किलोमीटर्स दूर है जहाँ हम रहते। तो काफ़ी लंबा है रास्ता। ओके रास्ता। एंड अभी मैं मिलता हूँ बाकी सबसे और तब तक आज बहुत मज़ा आएगा। मैंने काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं किया था बिकॉज ऑब्वियसली कुछ था नहीं अच्छा, बट आज के दिन बहुत अच्छा माल है। तो आओ यार बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं और लेट्स गेट स्टार्ट। गाइज़ ये अनफॉर्चुनेटली हमारी लिफ्ट प्यारी बंद है। रीज़न रीज़न ये है कि ये सोसाइटी वाले चूतिया है। कंट्रोल क्योंकि इनका अलग ही टाइम है, ये सुबह 7 बजे लिफ्ट चालू करते हैं और 3-4 बजे बंद कर देते हैं दोपहर के। फिर ये लोग शुरू करते हैं 6 बजे, कब तक? 10 बजे तक। मतलब जो बीच में लोग रहते हैं जिनको 4 बजे जाना है, जिनको 5 बजे जाना है, और जो लोग 5th फ्लोर पे रहते हैं उनकी तो पूरी अलग गई। ऐसा कौन करता है भाई? और यही सोचने के चक्कर में मैंने चप्पल पहन लिए खत्म, वो भी घर के। अब मुझे और ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। इंडिया है, चलते हैं। आज पूरा रोड खाली है, ये बहुत कम होता है बिकॉज जब भी मैं बाहर निकलता हूँ, मैं सिर्फ सुबह निकलता हूँ 9 बजे कॉलेज के लिए और शाम में आ जाता हूँ, तब ये बहुत क्राउडेड होता है। आज देख रहे हो पूरा रोड ही खाली है। नाइस, बट यार ज़ैन मलिक की फ़ोटो इम्पोर्टेंट है। मतलब कुछ रहे ना रहे, बारबर के शॉप पे और हेयर कट करने के लिए ज़ैन मलिक की फ़ोटो ना हो फिर तो वो सलून हुआ ही नहीं। सही पकड़े हैं। खैर यहाँ पे भी एक डॉग था यार। हाँ है, आई मीन देखो डॉग है बहन चोद। ओ बेटी चोद। हमारी सेकंड मैडम भी रेडी है, देख सकते हो। आज ये मैडम बहुत जल्दी आ गए, मिसेस लेट कमर। तो गाइज अभी हम है स्टेशन पे और यहाँ से हमारा ये बिल्डिंग दिख रही है, ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये हमारी बिल्डिंग है MIT की। और यहाँ पे भी ये भी हमारी है, 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 ये हमारा नहीं है, इलावारी से जब बेइज्जती है। मीट मिसेस चंदू, मिस्टर चंदू, चंदू चूतिया। हेलो हेलो, हाय हाय। मिसेज साकामोटो, स्मृति स्मृति स्मृति, हेलो हेलो। कल तक माइग्रेन का अटैक से मर रही थी, आज देखो सुबह सुबह उठ के आ गई। ये देखो कैमरामैन रोहन के साथ NDTV इंडिया। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। यहाँ पे आ चुकी है मिस लेट कमर शिवानी, जिसको आज मैंने लेट कराया। मैं पूरा बोल रहा था मैंने लेट कराया इसे बिकॉज इसे खुद की कप ऑफ टी पीनी चाहिए। कैसा लगता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो जाता है गलती में। ट्रेन से जाएंगे, लोकल ट्रेन से, और यहाँ से लोनावला से टुक टुक से ट्रेकिंग से ऊपर से नीचे, फिर से ट्रेन से पैदल, यही करना है। सो अब यही करना है, अभी देखते हैं ट्रेन आएगी। 7:15 का टाइम है, 7:15 हो चुके हैं बट इंडियन टाइम के हिसाब से आधा घंटा लेट ही चलेगी। सो वेट करते हैं। 20 मिनट्स लेटर। तो ट्रेन आ चुकी है, यहाँ पे कोई भिंडी तोड़ रहा है, उम्मीद करते हैं इसकी भिंडी अच्छी बने। लोकल में भी ट्रैवल कर सकते हैं। अरे ए ट्राई कर, हाँ पकड़ लिया। तुमसे ना हो पाएगा। यहाँ पे बैठते हैं। एक खिड़की ये चालू हो गई है, नहीं अंदर से काफी ब्रॉड है।
अबे यहाँ नहीं ये अरे हाँ हार्ड है सॉफ्ट नहीं है। अरे वाह आर पिनाते हुए काफ़ी लोग हैं बेसिकली यहाँ पे आज, और संडे के वजह से आज बैठने की जगह नहीं मिली है हम, तो आज खड़े हैं हमारा बैग। और ट्रेन चल चुकी है बेसिकली, अभी हुआ है ओ भाई छैया छैया क्यों बज रहा है मेरे को, छैया छैया बज रहा है, अभी हो रहे हैं 9 होने वाले हैं, हम यहाँ से जाने वाले हैं तो तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं मेन स्टेशन के पास में, थोड़ा लंच कर रहे थे लेकिन इसके पहले हम ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं, ब्रेकफास्ट हम कुछ खाए नहीं है। यहाँ क्या है, ये है वड़ा पाव। गाइस वड़ा पाव देखो, तो हमारे यहाँ होता है सब खोल के देते हैं, उसमें डालते हैं क्या डालते हैं आई मीन वड़ा डालते हैं, फिर उसमें पाव को बंद करते हैं, फिर चीज़ होता है, सॉस होता है, यहाँ होता है येलो वड़ा, येलो पाव, खुश रहो चटनी, वो चटनी नहीं है, वो क्या है, चटनी है वो भूखना है, उसे भूखना कहते हैं, चटनी नहीं कहते, चटनी कहते हैं। और यहाँ पाव ठंडा होता है, और जो वो था टिक्की होती है वो गर्म होती है, पोहे खाए थे मैंने। गाइस ये है मेन गेट, और ये मेन गेट से हम जा रहे हैं ऊपर, और बाकी के हमारे मेम्बर्स आए, और सामने ऊपर देख सकते हो वो चोटी पे हमें जाना है, और ये बहुत बड़ा है आई मीन विशाल, मतलब बहुत बड़े एरिया में वो फैला हुआ है। सो वहाँ पे भी एक वाटरफॉल है, मैं दिखाता हूँ जूम करके, तो वहाँ पे भी एक वाटरफॉल है, एंड यहाँ से भी पानी आ रहा है। काफ़ी सही है, यहाँ बैठ सकते हैं, जा सकते हैं, तो वहाँ से आ रहा है आगे देख सकते हो। तो थोड़ा सा ऊपर आए हम, एंड यहाँ पे कुछ विला टाइप बनाया इन्होंने, रिजॉर्ट टाइप, और यहाँ पे इनको अच्छा लग रहा था ये, पर थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं, दिख रहा है, 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 अब तो दिख ही गया होगा भाई, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, दूर से आप देख सकते हो काफ़ी लॉन्ग रूट है, और ये भोसड़ी के आगे निकल गए, रुको बे, ये रूट इस तरह का है, और कर सकते हैं, मतलब मैंने शूज़ नहीं पहने बट स्टिल प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही अभी के लिए एटलीस्ट। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें लगे थे 1.5 घंटा, तो आपको 1.5 घंटा चलना ट्रेन से ट्रैवल करना पड़ेगा, 45 रुपीज़ की टिकट होती है, उस पर हमने 2 ट्रेन चेंज किए, उसके बाद आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, और फिर एक टुक टुक भी करना होता है यानी कि ऑटो। रूट तो काफी इंटेंस हो गया अभी, इंटेंस बढ़िया। ओ भाई भाई क्या रास्ता बहुत छोटा है, बहुत जैसे देख सकते हो बहुत कम स्पेस है यार, कैसा लग रहा है, नहीं मुझे अतल नहीं जैसे, ओके धन्यवाद, कैसा लग रहा है भाई, मस्त लग रहा है, अभी तो चालू है, चल 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 फट ली, नहीं भाई रोहन की नहीं फटती। अभी कितना हो गया, 1 घंटा हो गया, 38 मिनट्स, गुप्त रोग मिले शनिवार रविवार कहाँ गया, ओ सॉरी गुप्त रोग भाग गया, गुप्त रोग भाग गया
गुप्त रोग ही भाग गया। सम्राट दवाखाना मिलना था, जंगल में खो गया। मिल गया। हाँ, एक्सपीरियंस बताइए मैम। छोड़िए, आप बताइए। बहुत थक गई। हट जाने दीजिए, चलो चिंको छोड़ो, मजा आ रहा है। तो गाइस अभी हम आधी जगह पहुंचे, फट गई बहुत। बस हवा निकल गई। सो अभी आधे रास्ते पे आए हैं, थोड़ा दिखाते दूर से। और तो गाइस ये रहा, ऊपर जो दिख रहा है ये है टॉप, और हम नीचे मिडल से थोड़ा ऊपर है। One hour later. तो गाइस फाइनली आई गेस हम पहुंच चुके हैं ऊपर। जैसे कि देख सकते हो अराउंड 2.5 घंटे का ट्रैक है, और ये आ गए हम ऊपर। देख सकते हो पूरा व्यू, और आई गेस हम और ऊपर जा सकते हैं। ये एक रूट जाता है, यहाँ से होते हुए हम और ऊपर तो नहीं पर दूसरे डायरेक्शन जा सकते हैं। टॉप तो यही है, और आप व्यू देख सकते हो, काफ़ी लोग आए एक्चुअली यहाँ पे। एंड बहुत सही है वेदर भी ठीक है, मतलब अभी धूप थी, अभी छाव हो गई है। यहाँ पहुँचने के लिए तो पूरी बुंड फट गई, 2.5 घंटे का ट्रैक था, एंड बीच में बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स हमने फेस किया, पर पहुँच गए। व्यू तो मैंने ऑलरेडी दिखाई दिया है लाइक पीछे से, ये देख सकते हो। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, एंड ये काफ़ी ऊंचा हो गया, हालत ख़राब हो गई। और यहाँ हम अराउंड 2 घंटा और रुक जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली इतने मेहनत से ऊपर आए, एंड उसके बाद 2-3 बजे तक हम नीचे जाएंगे, बिकॉज अभी बज रहा है 12:30। सो देर इज़ मच टाइम टू स्टे हियर। तो थोड़ा सा और बकचोदी करते, मज़े करते। हमने जाम लिया है, इसे गुआवा जाम, पेरू, कुछ भी बोल लो। और हमारे चंदन साहब चंदन चूतिया ले रहे, बार्गेन कर रहे, बट आई गेस ना इनको पुराता नहीं है, बिकॉज इतना बड़ा ट्रैक है और ये इतने नीचे से आ रहे बेचने के लिए, और डेली आ रहे, सो आई गेस इट्स नॉट वर्थ इट टू बार्गेन विद देम। बट क्या करें भाई, इंडियंस है, हमारी आदत बार्गेन की है, इंडिया है, चलते है। गाइस फोटो सेशन तो हमारा हो गया है, लेकिन अभी यार ये व्यू ख़त्म नहीं हो रहा है। बेंच एक नंबर व्यू है, एंड मैं बोलूँगा वर्थ इट है यार, 2.5 घंटे ऊपर चढ़ना इज टोटली वर्थ इट। व्हाट, अच्छा बात तो पूरी करने देता है। सॉरी तू बोल दे। छिंदवाड़ा के पास एक जगह है पातालकोट, पाताल लोक के बाजू में पातालकोट, पाताल छिंदवाड़ा के बाजू में पातालकोट, और पातालकोट के बाद पाताल लोक। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रन लो भाई। ये भी तो बहुत बढ़िया स्पॉट है भाई, या तो अपन स्नान कर सकते हैं भाई, मन कर रहा है मेरा, कितना डीप होगा, इतना ही है, पास नहीं है, क्या पैर डालते, आगे चलते। आगे गए तो यहाँ पे भी पॉन्ड है, बस यहाँ पे आपको पॉन्ड देखने मिल जाएगा भाई, बहुत सही व्यू है यार ये, और वहाँ वो वाली भी एक बहुत अच्छी जगह है। एनीवेज चलते यार आगे। गाइज अभी हो रहे हैं 2:30, अराउंड 2:30 हो रहा है आई गेस, हाँ 2:30 एग्जैक्ट हो रहा है, और अभी टाइम भी हो चुका है। तो अभी हम लोग वापस नीचे जाने वाले, बिकॉज यार फिर जाए तक शाम हो जाएगी, फिर ये रास्ते ना इतने डेंजर है एल लग जाने, तो जितना हो सके हम जल्दी नीचे जाने की कोशिश कर रहे, बिकॉज हमें 1.5 घंटा और ट्रैवल भी करना है अपने घर के लिए। सो काफ़ी टाइम लगेगा,
बट वॉट्सो एवर काफ़ी मज़ा आया ऊपर आने में। अब नीचे जाने में फट जाइए बिकॉज स्लीपरी रास्ते, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। बट एनी वेज थोड़ा बहुत एडजस्ट तो कर ही सकते हैं। अब मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, जाना नीचे है बट हम चढ़ रहे ऊपर है ऐसा। रुको थोड़ा बैकग्राउंड दिखाता हूँ, इसे छोड़ दो। हाँ सो ऐसा है और बस यार अभी थोड़ा टाइम लगेगा बट चला लेंगे। One hour later. तो गाइज पिछले एक घंटे से हम नीचे आ रहे हैं, देख सकते हो अब काफ़ी नीचे आ गए। पिछली बार आपको मैंने घर दिखाया था जूम करके, तो अब ना हम काफ़ी नीचे आ गए। तो जाने के लिए हमको 2.5 घंटा लग गया और नीचे आने के लिए सिर्फ 1 घंटा, तो वो 1 घंटा भी बड़ा ख़तरनाक था। बट अब नीचे आ गए, डीजे बज रहा है ख़तरनाक। ये एरिया बहुत अलग है, मतलब ये जो लोकेशन है नीचे उतरने की, हम अलग जगह से आए। स्पेशल थैंक्स टू रोहन राणे जिन्होंने हमें ये रास्ता दिया है। ये पहले हम स्ट्रेटली आ गए थे, हमें घूमना पड़ रहा है। बट एनीवेज मज़ा आ रहा है, कोई बात नहीं, आ गए हम। यार देखो नीचे आ गए, अगर दिख रहा होगा तो आपको। सो ये था ट्रेकिंग एंड हम 10 बजे शुरू किए एंड ऑलमोस्ट 4:15 बजे हम नीचे आ गए। हम 4 बजे तक नीचे आ जाएंगे। तो मस्त था ओवरऑल एक्सपीरियंस, तो आपको मैं आउटर में बताऊंगा, अभी तो और है, देखते और मज़े मारते। अभी ये ना नीचे उतरने के वक्त ज़्यादा लोग नहीं है, बट ये जो घर है ना मस्त घर है यार, मतलब लक्की बंदा है। बट अगर लैंडस्लाइड वगैरह आ गए तो एल लग जाने उसके। एनीवेज सब लोग है, मैं सबसे पीछे हूँ बिकॉज ऑब्वियसली शूटिंग इज एसेंशियल। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। वी आर देयर। ओ भाई आ गया, नीचे आ गया। चलो इसी के साथ ये कंक्लूड होता है कि ट्रेकिंग जल्दी भी की जा सकती है और अच्छी भी की जा सकती है। हो 4:15 बजे, मतलब अपन ने 2 बजे शुरू किया था ना, 2:30 बजे, हाँ 2:30 से 4:30 से 4, मतलब 1 घंटा 10 मिनट। भाई बहुत जल्दी है। चलो चलो आगे चलते। अरे वो मेन गेट भी आ गया, दिख रहा होगा आपको। कल संडे होना था भाई, लेकिन संडे कल होना था भाई, पैरों में ना एल लग जाने। फिर कल से कॉलेज है, तो अब फिर से दिखाता हूँ हम कहाँ थे। तो आपको दिखाता हूँ ये जो चोटी दिख रही है, हाँ हाँ वही थे। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग ट्रैक बट इट्स अ गुड ट्रैक एक्चुअली। तो ऐसा है, पल पल में ना खारा देखावे गोरिया, हमरा के चुतिया बनावे गोरिया, पल पल में ना खारा।